पाकिस्तान की क्रिकेट टीम वर्ल्ड T20 में मैचेस हार रही है और पीछे भाई साहब मुल्क के अंदर रोज कोई ना कोई नवा पेंडोरा बॉक्स खुल रहा है, यानी कि नवा कट्टा खुल रहा है। इमाद वसीम की साइड स्टेन इंजरी, पसलियों की, अबे घंटा पसलियों की इंजरी, अबे मैं नहीं कह रहा, मोहम्मद वसीम कह रहे हैं, कहते हैं कोई पसलियों की इंजरी नहीं है, उसको तो घुटने का मसला है। इसका मतलब है पीसीबी हमें पुदुल गा रहा है, और क्या मतलब है? पीसीबी ने फिर इसका मतलब है फेक न्यूज फैलाई है कि इमाद वसीम को साइड स्ट्रेन है। भाई साहब कहते हैं शिकस्त का ना कोई वाली वारस नहीं होता, उससे कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता, और जीत का मैं कहता हूं हर कोई जीत के साथ अपने आप को जोड़ना चाहता है, ये हो रहा है हमारे साथ। अब ये हार रहे हैं ना, तो अब इनके अंदर की खबरें बाहर आ रही हैं। मोहम्मद वसीम चीफ सिलेक्टर रहे हैं पीछे, वो ये कहते हैं कि इमाद वसीम को साइड स्ट्रेन इंजरी नहीं है, ये झूठ बोला गया, उसको इंजरी है घुटने की, और ये जो इमाद वसीम को घुटने की इंजरी है ये आज की नहीं है, ये कई सालों पुरानी है, और इसी घुटने की इंजरी की वजह से इमाद वसीम को टीम से ड्रॉप किया गया था। ये मोहम्मद वसीम का कहना है जो कि चीफ सिलेक्टर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए खेलते रहे हैं। अबे यार वो जिनकी वीडियो एक बड़ी वायरल हुई थी जब आज़म खान की सिलेक्शन पे उन्होंने आज़म खान को कॉल की थी और वो आज़म खान पोतल गया था, गए हैं हाँ मेरे साथ प्रैंक तो नहीं कर रहे। अबे नहीं बे, वीडियो कॉल पे थोड़ी प्रैंक होता है या ऑडियो कॉल के ऊपर, प्रैंक तो साथ साथ बैठे हुए होता है। बल्कि आज़म जानी प्रैंक तो वो है जो तू अपनी बैटिंग से हमारे साथ कर रहे हैं, अबे उसको कहते हैं प्रैंक, हाँ दिखाना और करना कुछ और। अच्छा खैर छोड़ो, तो इमाद वसीम का भाई साहब घुटने का मसला है, और ये घुटने का मसला छुपाया गया है, और ये इस घुटने के मसले के बारे में झूठ बोला जा रहा है एज़ पर मोहम्मद वसीम। अच्छा एक और शॉकिंग बात उन्होंने ये की है मोहम्मद वसीम ने, अब इस शो में उन्होंने कहा कि तीन से चार कोचेज़ हैं प्रीवियस जिन्होंने ये कैटेगोरिकली ये बात की थी कि मौजूदा टीम में कुछ 3-4 के 5 लड़के ऐसे हैं जो कि टीम का कैंसर हैं, इन लड़कों के पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में होते हुए पाकिस्तान की क्रिकेट टीम नहीं जीत सकती। ये भी अब एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है एक साबिक चीफ सिलेक्टर के मुंह से निकल रही है। अब ऐसा तो नहीं है कि मोहम्मद वसीम ने रात को ख्वाब देखा और उन्होंने आकर जनाब आज ये सारी बातें कर दी हैं, नहीं ये तो कुछ और ही फिल्म लग रही है फिर इस हिसाब से कि यार ये 3-4 लड़के कौन हैं जो कि टीम का कैंसर है, भाई निकालो इनको, कैंसर की तो इसी तरीके से सर्जरी होगी, इनको टीम से निकालो वरना हम तो फिर नहीं जीत पाएंगे कभी भी, और हमने इसी वजह से शायद कोई मेजर इवेंट जीता भी नहीं है क्योंकि ये 3-4 लड़के और ये 3-4 लड़के पुराने हैं एज़ पर मोहम्मद वसीम, क्योंकि उन्होंने उस तरफ भी इशारा किया है कि आपने मेरिट के ऊपर सिलेक्ट नहीं करना, यारी दोस्ती ताल्लुकात इसकी बेस के ऊपर आप जब टीम सिलेक्ट करेंगे तो आप क्या ही रिजल्ट विड्रॉ कर लेंगे ऐसी टीम के साथ। तो फिर इसका मतलब है कि भाई साहब आगे पीछे जितना भी शोरोगुल हो रहा है ठीक है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में, यारी दोस्ती कल्चर, फ्रेंड्स एंड फैमिली कल्चर, ताल्लुकात कल्चर, चुकू कल्चर, मतलब ये जितना भी सारे ये कल्चर्स की भरमार हो रही है इसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल के ऊपर सदाकत या सच ज़रूर मौजूद है, मुझे तो वैसे ही लग रहा है। क्योंकि देखे ना वो कहते हैं ना आग वहीं पर लगती है जहाँ से धुआं उठ रहा हो, हाँ और जहाँ आग लगी हो वहाँ वहीं से धुआं उठता है, वो इस तरह करके या कुछ। तो फिर ये जो अब मुझे ये नहीं पता कि ये सारी बातें किस हद तक सच हैं, मतलब सच का भी एक पैरामीटर होता है ना कि 10% सच हैं, 20%, 30%, 40%, 50% या 100%, वो अब मैं कुछ शोटी के साथ नहीं कह सकता, लेकिन अगर आप देखें ना तो आगे पीछे हर चैनल के ऊपर जो जहाँ पर भी स्पोर्ट्स शो हो रहे हैं, वर्ल्ड T20 कवर हो रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंसेस कवर हो रही हैं, वहाँ पर यार तकरीबन ऑलमोस्ट सारे ही बंदे आपको ये बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं कि इस टीम की सिलेक्शन का क्राइटेरिया गलत था, PSL के परफॉर्मर्स को निगलेक्ट किया गया, डोमेस्टिक क्रिकेट को निगलेक्ट किया गया, फ्रेंड्स एंड फैमिली कल्चर है इस टीम के अंदर, इस टीम के अंदर यारियां दोस्तियां निभाई जा रही हैं, ये सारी की सारी बातें हो रही हैं। तो फिर इसका मतलब है कि दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। तो अब हमारे पास तो चेयरमैन PCB हैं मोहसिन नकवी साहब, हम उन्हीं को दरख्वास्त करेंगे सरकार फिर इसकी ज़रा कराएं सर इन्वेस्टिगेशन, पता करें ये कौन है फ्रेंड्स एंड फैमिली कल्चर, ये चल क्या रहा है भाई, ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है, वो अबरार को लेकर गए थे, उसको किस लिए लेकर गए हैं कि उसको कहें तुम आओ तुम्हें सैर कराएं मुफ्त में, हैं आओ बच्चों सैर कराएं तुमको मुल्क पाकिस्तान के मालिकों की, तो चल क्या रहा है भाई सीरियसली, उसको खिलाना नहीं है, उसको भी गरीब को चांस दे दो यार, उसने कौन सी कोई जिसे कहते हैं
बाबर की, रिजवान की, इफ्तिखार की या किसी और की भैंस चोरी कर ली है, है? या वहाब रियाज को वो चलते फिरते सलूट नहीं मारता, क्या मसला है बरार में? वो दूसरा जो है अपना अब्बास अफरीदी, उसको क्यों नहीं चांस देते हो? उसको उसको भी इन विकटों के ऊपर चांस मिलना चाहिए था, उसका भी बिल्कुल चांस बनता था। हारिस रऊफ की जगह किसी दिन उस गरीब को खिला कर देख लो यार भाई, इनके इन लड़कों को चांस दें ना कुछ तो, एक दो मैच तो बेचारे खेल लें। अब आप क्या ही कर लोगे वर्ल्ड T20 में, आपके आगे जाने के बड़े स्लिम से चांसेस मौजूद हैं। दफ़ा करो अपने जो लड़के हैं उनकी प्रैक्टिस शैक्टिस करा दो दो मैचेस में और क्या, क्योंकि आप आगे चले भी गए तो सुपर एट में आप वही टीम होंगी जिसके बारे में मैं मुंह से बोलूंगा कि यार ये डिजर्व नहीं करते थे, ये तो बैलक का आ गए हैं। सीरियसली स्पीकिंग, ठीक है सारी पैप टॉक वो ईच एंड एवरीथिंग अपनी जगह के ऊपर, इनके इन क्रिकेटर्स को रेट करना अपनी जगह के ऊपर, इनकी इनकी जो जिसे कहते हैं इनके स्टैट्स, इनके रन, इनके फलाना, इनका टमकाना, इन सब कुछ अपनी जगह के ऊपर, लेकिन ये डिजर्व ही नहीं करते। वन यूनिट होकर तो खेल ही नहीं रहे, वन यूनिट होकर इनके अगेंस्ट USA वाले खेले, चेक करें कैसे एक ओवर में पूरे के पूरे उन्होंने मैच का पांसा पलट दिया। वो 20वें ओवर में 15 रन हारिस रऊफ को उन्होंने लगा दिए, सुपर ओवर में फिर वो आमिर को 19 रन जड़ गए, आपसे नहीं बने वो 19 रन। अच्छा फिर वन यूनिट होकर टीम इंडिया खेली जिसने कल आपको, आपने उनके अगेंस्ट 30 से 35 ओवर, 40 ओवर्स के मैच में 30 से 35 ओवर आपने मैच को अपने ग्रिप में रखा है। सर उनको 5 ओवर में विंडो मिली, उन्होंने 5 ओवरों में आपके जो 35 ओवर से उनका सारे का सारा मक्कू ठप दिया। सर वन यूनिट इसको कहते हैं। तो ये फेक न्यूज़ इंजरी से रिलेटेड, ये बड़ी, क्योंकि अमाद का कुछ था मसला ना, उसे हिट लग रही थी ना उसे सही भागा जा रहा था, तो उसका मतलब है कि वो गड़बड़ है उसकी, पता करें सर उसको क्या प्रॉब्लम है। अगर वो इंजर्ड आपने उसको खिला लिया तो आपने उसके साथ ज्यादती किया, क्योंकि कल वो मैच में उसने मेरा ख्याल ओवर भी 3 ही किए, 4 ओवर्स का तो कोटा भी पूरा नहीं किया, और बैटिंग में भी वो 23 बॉलें खा गया, सिर्फ 15 रन किए, 23 बॉलें खा गया वो 15 रन किए, इससे तो अच्छा था 15 गेंदों पे 15 रन कर लेता, वो 8 जो इसकी गेंदें हैं वो नसीम शाह को मिल जाती, नसीम शाह ने आपको मैच जितवा देना था। हाय नसीम शाह बेचारा, चलो क्या हो सकता है, गलत जिसे कहते हैं टीम में फंस गया, यकीन करें। और ये मैं नहीं कह रहा, मज़े की बात ये मैं नहीं कह रहा, नसीम शाह की जो रोने वाली वीडियो है ना जो मैंने पोस्ट की है, जो न्यूज़ मैंने पोस्ट की है यार, उसके कमेंट सेक्शन जाकर ज़रा पढ़ें। इंडियन क्रिकेट फैंस नसीम शाह के ऊपर मरे पड़े हुए हैं, जाकर चेक करें, वो नसीम शाह को इतना सपोर्ट कर रहे हैं इंडियन क्रिकेट फैंस, उनकी तो टीम जीती है, वो चाहें तो आपको बुलडोज करके रख दें इस टाइम पे, लेकिन नहीं सर, वो आपके लड़के को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। सर सपोर्ट छोड़ें, मैं आपको हैरान कर देने वाली बात बताऊं कि मैंने 2-4 कमेंट्स खुद ऐसे पढ़े हैं जिन्होंने डायरेक्टली मुझे कहा है कि फारूक भाई यार इतना ना रगड़े यार, आपकी टीम अच्छी है, कमबैक कर लेगी। मैं सर पकड़ के बैठ गया कि यार इंडियन क्रिकेट फैंस को चेक करो, वो मुझे कह रहे हैं कि अपनी टीम को इतना मत रगड़े, ये कमबैक कर लेंगे, बेहतर हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, हमारा भी किसी टाइम पर इतना बुरा हाल था। यार अब मैं इन लोगों को क्या जवाब दूँ यार, यार मेरे पास जवाब में ना आप लोगों के लिए मोहब्बत ही है भाई, यकीन करें और कुछ नहीं है, मैं आपको मोहब्बत ही दे सकता हूँ आप सारे इंडियन क्रिकेट फैंस को, जानी और मेरे पास कुछ नहीं है। आई लव यू ऑल यार, अपना बहुत ख्याल रखना। अच्छा नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।